नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। गुजरात में राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम समझा जाने वाला पटेल समाज आरक्षण के लिए लामबंद है। आज की विवार्ता का विषय भी हमारा है आरक्षण। हमारे साथ हैं दुनिया के संपादक जयदीप कड़े। जयदीप जी, पटेल समुदाय जैसा सक्षम समुदाय आरक्षण मांग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती कि जिस समाज में युवाओं को आगे आकर आरक्षण की बेड़ियां तोड़ने के लिए आंदोलन करना चाहिए था, जिस समाज में बरसों से आरक्षण को जो हमने भोंडी गाली बना रखा है उसको मिटाने की कोशिशें होनी चाहिए थी, जिस समाज में केवल हमने 10 साल तक आरक्षण रखने की जो संविधान में बात कही थी उसको इतने सालों तक चलाए जाने को लेकर विरोध होना चाहिए था, जिस समाज ने मंडल कमीशन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया और वो असफल रहा, उस आंदोलन को फिर से सही तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वहां पर कभी गुर्जर तो कभी पाटीदार आरक्षण को मांगने के लिए इस तरीके से आगे आते हैं। इसका मतलब हमने एक ऐसे समाज की रचना की है जहां पर प्रतिभा का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, और जब प्रतिभा का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं होता, लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, संसाधनों के लिए झगड़ा होता है, और कुछ लोगों को संसाधन केवल इसलिए मिल जाते हैं कि वो आरक्षित हैं, तो फिर लोग इस तरह के आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन उनकी इस मजबूरी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मुझे अफसोस है कि हार्दिक पटेल कैसे युवा हैं जिनके पास जनता को संगठित करने की शक्ति है, लेकिन उनको इस शक्ति को दूसरी दिशा में ले जाना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि जितने भी जातियों को आरक्षण मिल रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर उनकी पीड़ा यह है कि कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं क्योंकि वो आरक्षित हैं और बाकी पाटीदार समाज जो उनका अपना समाज है उसको नहीं मिल पाती, तो यहां तक उनका दर्द बिल्कुल सही है। अगर वो ये कहते हैं कि पाटीदार समाज के लोगों को क्यों नहीं अच्छी नौकरियां मिलना चाहिए, अगर वो काबिल हैं, वो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो बड़े सरकारी पदों पर वो लोग क्यों नहीं दिखाई देते, ये पीड़ा बिल्कुल ठीक है। यदि उनको लगता है कि पाटीदार समाज, जो कि वैसे बहुत समृद्ध समाज है गुजरात का, और आप ये भी जान लीजिए कि जो 10 बड़े हीरा व्यापारी आप हिंदुस्तान से चुन के निकालेंगे उसमें पाटीदारों का, इस पटेल समाज का वर्चस्व रहेगा, ऐसा समाज जब अपने लिए आरक्षण की मांग करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो हमको पता लगता है कि हमने किस तरह के हिंदुस्तान की रचना की है। मुझे लगता है कि अब नए सिरे से आरक्षण पर बहस छेड़नी चाहिए। कोर्ट ने जो बंदिश लगाई थी कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, किस जाति को देना है आप तय कर लो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब 50% सभी राज्यों में लगभग छुआ जा चुका है आंकड़ा। हमें उस 50% जिन लोगों को आरक्षण मिला है उसमें जाति के आधार पर आरक्षण देने की बजाय अगर हम तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर संपन्न नहीं है, धनाढ्य नहीं है, पैसों का अभाव है, साधनों का अभाव है, तो हम उसे पैसा और साधन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हम उसे आरक्षण की बैसाखियां नहीं देंगे, तो मुझे लगता है हम इस सारी बहस को सही दिशा में ले जाएंगे। क्या इस आंदोलन के कुछ राजनीतिक मायने हो सकते हैं? हो सकते हैं, राजनीतिक रंग तो यह आंदोलन लेने लगा है। हार्दिक पटेल ने जो गर्जना की है गुजरात में, उसमें तो उन्होंने कहा है, उनके समाज ने कांग्रेस की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था, और इसी तरह से अब 10-15 साल का जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसको भी उखाड़ फेंकने में वो देरी नहीं करेंगे अगर कोई उनके समाज को आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने तो ये भी कहा कि आरक्षण अगर मिलेगा नहीं तो वो उसको छीन लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रंग तो सारी बहस ले चुकी है, और अगर ये सारी रस्साकशी राजनीतिक वर्चस्व के लिए की जा रही तो और भी ज्यादा खराब है। अगर इसमें शुद्ध रूप से समाज की भलाई, पाटीदार समाज की भलाई शामिल है, तो फिर भी वो बहस को गलत दिशा में ले गए हैं, और चूंकि वो युवा हैं उनको जल्दी से जल्दी समझदारी अपनाकर अपनी इस पूरी बहस को सही दिशा में ले जाना चाहिए। एक और दुखद पहलू उनके आंदोलन का ये है कि राजनीतिक रंग तो ये आंदोलन ले ही चुका है, ये आंदोलन हिंसक भी हो चुका है, उग्र भी हो चुका है। अहमदाबाद में इस आंदोलन में जगह जगह हिंसा होने के समाचार तो मिले ही, साथ ही साथ इस आंदोलन के चलते ही हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोकतंत्र में विरोध करने का, अपनी बात रखने का, अपनी मांगों के बारे में खुलकर कहने का अधिकार सबको है, लेकिन जब वो आंदोलन हिंसक हो जाता है, लाठीचार्ज होता है, पुलिस को सख्त रुख अपनाना पड़ता है, तो हमें पता है कि ये बात कहां तक जा सकती है, और बेहतर ये होगा कि ये बातचीत टेबल पर बैठकर नेताओं के बीच, पाटीदार समाज के जो नेता हैं वो और राजनीतिक नेतृत्व जो है उनके बीच में आमने सामने की बातचीत हो और मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। यदि भी पाटीदार हो, गुर्जर हो, जाट हो, जब जिसकी मर्जी हो उठ खड़ा होता है, लोग परेशान होते हैं, आखिर इसका इलाज क्या है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि गुर्जर मांग रहे हैं, जाट भी मांग रहे हैं, पाटीदार भी मांग रहे हैं, ये सब क्यों मांग रहे हैं आरक्षण? क्योंकि इनको लगता है कि हमारे घर के बच्चे बच्चियों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही, पर वो काबिल हैं फिर भी नहीं मिल रही।
सवाल क्या है, काबिल है फिर भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? तो उनको इसमें कारण नजर आता है कि जैसे भाई ट्रेन में आप सीट बुक कराने जाओ तो आपको मालूम पड़ता है कि वो आधी से ज्यादा सीटें तो पहले से बुक हैं, लेकिन वहां पर क्या है, पहले आए पहले पाए हैं। इसका मतलब ये कि जो पहले नहीं गया, जिसने पहले से अपनी प्लानिंग नहीं की, योजना नहीं बनाई यात्रा करने की, तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए फिर दूसरे रास्ते हैं, तत्काल से जाओ। लेकिन वहां पर इस आधार पर तो भेदभाव नहीं है कम से कम ना, कि आप इस जाति से आओगे तो हम आपको बिठा देंगे उस। तो ऐसी ही जो हिंदुस्तान की ट्रेन है जिसमें कुछ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, वो इस आधार पर मिल रही है वो फला जाति से आता है। देखिए, आरक्षण के माध्यम से आपने पिछली 60-65 सालों में जो व्यवस्था की उसके आधार पर यह तक हुआ है कि अभी तीसरी पीढ़ी के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। तो जो पहली पीढ़ी का व्यक्ति है वो अगर आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस जो कुछ भी बन गया है उस आरक्षण के वजह से, उसका बेटा भी बन गया, बेटी भी बन गई, अब उसके पोते पोतियों को भी उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो आपने आरक्षण इसलिए दिया था कि ये लोग पिछड़े हैं, ये लोग सक्षम नहीं है, इनको दबाया गया है, इन पर जुल्म है। अब उन सारी जुल्मों की भरपाई करते हुए अगर उनकी दो पीढ़ियों को तार दिया गया, जो क्रीमी लेयर की हम बात कर रहे हैं, जो क्रीमी लेयर में जा चुके हैं भाई, उनके पोते पोतियों को क्यों केवल जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है? मुझे लगता है ये सवाल यदि कोई उठा रहा है तो ये चुभता हुआ और ज्यादा बड़ा सवाल है। मुझे तो ये लगता है कि हार्दिक पटेल के और इस पाटीदार समाज के आंदोलन को पृष्ठभूमि में रखकर इस आंदोलन की जमीन पर हमें इस बहस को तैयार करना चाहिए कि बजाय कि नई नई जातियों को आरक्षण देने के, सारी जातियों का आरक्षण खत्म करके कैसे हम उस हिंदुस्तान की रचना करें जहां पर आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होगा, प्रतिभा के आधार पर व्यक्ति को बढ़ने की पूरी संभावना होगी, पूरी गुंजाइश होगी। एक चीज और देखने में आती है कि आरक्षण लोगों के बीच में द्वेष का कारण भी बन रहा है। निश्चित तौर पर आप में साथ में उठ बैठ रहे हैं, आप में साथ में खेल कूद रहे हैं, हम लोग अपना टिफिन बॉक्स भी साथ में खाते हैं, लेकिन मुझे पता लगता है कि जो नंबर तो मेरे 80% आए थे, आपके 40% ही आए थे, लेकिन आपको मुझसे बेहतर नौकरी मिल गई सिर्फ इसलिए कि आप किसी ऐसी जाति से आते हो जो आरक्षित है। मैं एक ऐसी जाति से आता हूं जो आरक्षित नहीं है, इसलिए 80-85% लाकर भी मेरी प्रतिभा की कोई कदर इस समाज में नहीं है। तो जो मेरे बीच में और आपके बीच में सौहार्द था, मोहब्बत थी, लगाव था, उसमें खटास आती है, मैं आपको द्वेष की भावना से देखने लगता हूं। निश्चित तौर पर यह इंसानी फितरत है और यह गलत भी नहीं है। अगर मुझे लगता है कि भाई आप मुझसे अच्छी पढ़ाई करते हैं, आप मुझसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, आप में मुझसे ज्यादा हुनर है, आप में मुझसे ज्यादा काबिलियत है, तो मैं भी सोचूंगा कि शायद मुझ में कुछ कमी है और मैं अपने को सुधारूंगा। क्योंकि ये ऐसे गुण नहीं है जो अगर आपके में जन्मजात नहीं है तो आप पा नहीं सकते। अगर बच्चा कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं, हम देखते हैं 8वीं-10वीं तक पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, वो संकल्प लेता है कि वो अच्छी पढ़ाई करेगा और वो कर दिखाता है। हमने देखा कि कॉलेज में 3rd डिवीजन लाने वाला व्यक्ति भी बाद में IIT IIM में जाके टॉपर बनता है, इम्तिहान देता है। लेकिन वहां पर अगर उसको केवल इस वजह से आप रोक दोगे कि आप चाहे जितना अच्छा पढ़ रहे हो, जितनी आप में जुनून है, पढ़ने लिखने की लालसा है, लेकिन आप उस जाति से नहीं आते हो जिस जाति को हमने आरक्षित किया, तो ये नौकरी, ये पद, कॉलेज में ये एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो फिर निश्चित तौर पर द्वेष भी होता है, हताशा की भावना भी आती है और हम अपने देश को कहीं ना कहीं कोसने लगते हैं। धन्यवाद यदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे गुजरात के पाटीदार समाज के आरक्षण आंदोलन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।